हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलीशान, आप देख रहे हैं टेक एंड टेक मलिक। बिना को टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पोको M3 प्रो 5G स्मार्टफोन। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पोको M3 प्रो की। तो इंडिया में आपको इसके दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। बेस वेरिएंट है आपका 4GB रैम 64GB इंटरनल, और हायर वेरिएंट है आपका वो है 6GB रैम 128GB इंटरनल। इसमें आपको तीन कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, एक है ब्लैक, ब्लू और येलो। तो अगर हम इस फोन की बैक की बात करें तो इसके बहुत अच्छा डिज़ाइन निकल के आया है। पोको वाले कुछ नया इसमें ट्राई करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छे आपको कवर जैसे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है, मैट फिनिश नहीं है। तो अगर हम इसकी वेट की बात करें तो 190 ग्राम का इसका वेट है, और करीबन इसकी 8.8 mm की थिकनेस पे आपको फ़ोन देखने को मिलता है। तो ना बहुत ज़्यादा आपको हैवी मिलता है और ना बहुत ज़्यादा आपको पतला देखने को मिलता है। अगर हम सिम ट्रे की बात करें तो इस फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, मतलब कि आप एक टाइम में एक SD कार्ड स्लॉट या फिर एक सिम लगा पाएंगे या एक बार में आप दो ही सिम इसमें यूज़ कर पाएंगे। और इसमें आपको सिंगल स्पीकर मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा आपको बेस में देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको लाउड भी सुनने को मिलेगा। इसमें आपको फोन मतलब जब फोन खरीदेंगे तो बॉक्स के अंदर आपको कवर भी देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, पूरी तरीके से आपके फ़ोन को प्रोटेक्टेड रखेगा अगर आपका फ़ोन गिर जाता है। और इसमें आपको सिंगल स्पीकर तो मिल ही रहा है, साथ ही आपको इसमें आई ब्लास्टर भी देखने को मिल रहा है। मतलब वैसे भी आपको पता ही है कि Xiaomi के पोको फ़ोन में आपको आई ब्लास्टर भी देखने को मिलता है। इसमें आपको वैसे भी जो चीज़ें दी होती पोर्ट बटन वगैरह वो सब आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 3.5 inch जैक भी देखने को मिल रहा है, उसमें भी आपको ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी मिलने वाली है। अगर हम बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों चीज़ें के प्राइस की बात करें, दोनों चीज़ें अगर प्राइस को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा तेज़ एक्यूरेट वर्क करते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको MIUI 12 मिल रहा है और आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 भी देखने को मिलता है इसमें। खैर कुछ टाइम बाद इसमें आप इसमें एंड्रॉइड 12 का भी मज़ा यूज़ कर पाएंगे, और इसमें आपको पोको लॉन्चर भी साथ ही देखने को मिलता है। और जैसा कि आपको पता ही कि MIUI जैसा होता है तो वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, ना ज़्यादा ऐप होंगे, मतलब कि यूज़ करने के जो भी फर्जी ऐप होते वो सब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी ऐप्स को इंडिया में बैन करा गया था, आपको कोई भी ज़्यादा आपको इसमें ऐड देखने को नहीं मिलेगा, ना ज़्यादा आपको सिर्फ ब्लूटूथ देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी MIUI को बहुत ज़्यादा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें उसको इम्प्रूव करें तो और भी ज़्यादा आपको इसमें अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर हम रैम और स्टोरेज टाइप की बात करें तो इसमें आपको LPDDR4X रैम मिल रही है, स्टोरेज आपको UFS 2.2 भी देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इस फोन की कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई, वाईफाई कॉलिंग, डुअल 4G वोड, और इस फोन में आपको GPS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और साथ ही इसमें आपको बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब कि वाइडबैंड L1 और कैमरा टू API का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और साथ ही आपको इसमें अच्छे खासे आपको 5G बैंड भी देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.5 inch की FHD+IPS आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, और साथ ही इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है। और अगर हम टचिंग की बात करें तो वो आपको 180Hz का देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन मिल रही है, तो मतलब आपका फोन गिर भी जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो 400 nits की पीक ब्राइटनेस है, तो मतलब कि आपको ओवरऑल जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा होने वाला है। बीच में आपको इसमें सेंटर पंच होल सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल इसमें आपको जो डिस्प्ले है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। और ये अडैप्टिव डिस्प्ले है, मतलब कि जिस हिसाब से आप कंटेंट को यूज़ करेंगे उस हिसाब से इसका जो रिफ्रेश रेट है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलता है Dimensity 700 प्रोसेसर, जो कि आपको मिलता है 7nm ऑक्टा कोर Mali-G57 और MC2 आपको देखने को मिलता है, और ये आपका चिपसेट 5G भी है। तो ओवरऑल इसका जो प्रोसेसर बहुत अच्छी क्वालिटी का, आप इसमें जितना भी गेम खेलिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ना कोई इसमें आपको लैग देखने को मिलेगा, ना कोई आपको इसमें फेंड अप भी देखने को मिलने वाला है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और साथ ही जो फ़ोन है वो आपका 18W चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन आपको इन द बॉक्स 22.5W का इन द बॉक्स आपको चार्जर भी देखने को मिल रहा है, जो कि आपके फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। तो बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो इसमें आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो प्राइमरी लेंस है वो आपका 48MP का है, 2MP का मैक्रो और 2MP को डेप्थ देखने को मिलता है। अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आप 1080p में 30fps में EIE से वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, और इसमें आपको पोर्ट्रेट, ब्यूटी, नाइट मोड और ऐसे बहुत सारे AI के फीचर आपको और भी देखने को मिलते हैं बैक में। अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 8MP की सेल्फी मिलती है, और फ्रंट में भी आप 1080p में 30fps में EIG से वीडियो कॉल कर पाएंगे, और फ्रंट में भी आपको पोर्ट्रेट मिल रहा है, ब्यूटी मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं जो आपको बैक और फ्रंट दोनों में आपको देखने को मिल रहा है।
तो ओवरऑल से जो कैमरा आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाए तो आप अच्छी तरीके से फोटो वगैरह क्लिक कर पाएंगे। तो बात करते हैं इस फोन की प्राइस की। जो बेस वेरिएंट है आपका 464 वाला, वो आपको मिल जाता है 14,000 रुपये का, और जो हाई वेरिएंट है आपका 6128 वाला, वो आपको मिल जाता है इंडिया में आपको 16,000 रुपये का। तो ओवरऑल इस फोन की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बढ़िया बैटरी देखने को मिल रही है, 5000 mAh की बैटरी है, 22.5W का इन द बॉक्स आपको चार्जर देखने को मिलता है, 6.5 inch की 90Hz वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, और साथ ही आपको डायमंड सिटी 700 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फोन की बात करें तो कैमरा हर चीज़ आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको सस्ता स्मार्टफोन देखते हैं 15,000 रुपये का और उसमें 5G भी हो, तो आप इस फोन को ज़रूर दे सकते हैं। तो अगर आपका बजट है 15,000 तो आप पोको M3 Pro को ज़रूर देखेगा। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।